शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव की राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना एक हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुकम तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नाश पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो, आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं, जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए, इतनी देर क्यों लगाए, पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठाकर ले आए, न पानी में स्वाद न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना, मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है। अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते, जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है, तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या, मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहाँ पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा। लो, बहुत गोलगप्पे करती रहती थी, कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार, और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से निहारिका गोलगप्पे तो खा नहीं पाती, लेकिन अभी भी उसके मन में हर वक्त उन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। हाय मेरे प्यारे गोलगप्पे, इस कलमुए फूड पॉइजनिंग ने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। मेरे गोलगप्पों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, अगर मैंने तुम्हें खाया तो मम्मी जी तानों के ही गोलगप्पे बनाकर मुझे खिला देंगी। एक दिन निहारिका अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, जिसकी घर से निकलते ही राम रसोई में जाकर कुछ करने लगता है। शाम को निहारिका के घर वापस आते ही उसकी सास कहती है, शक्ल से तो लग रहा है कि डॉक्टर ने थोड़े और समय तक गोलगप्पे बंद कर दिए। अच्छा है, कम से कम अब हमें पूरा दिन गोलगप्पा पुराण तो नहीं सुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर निहारिका चिढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही होती है, तभी राम गोलगप्पों से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर उसके सामने आ जाता है,
जिन्हें देखकर निहारिका का चेहरा खिल उठता है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें अपने पसंद की चीज़ खाने से कोई नहीं रोक रहा, जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन उससे खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ बहू, किसी भी चीज़ की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, पर अभी मुँह में पानी आ रहा है, गोलगप्पे खाऊं प्लीज़? अरे अकेले क्यों, सब साथ मिलकर खाएंगे ना।